22 साल उस 72 पैसे के लिए लड़ाई लड़ा, और वो जमीन नहीं थी, जमीन का पैसा नहीं था, वो जो पहले मंडिया लगती थी उसका टैक्स पड़ता था, वो टैक्स का पैसा। उसने कहा ये हमारे 72 पैसे ज्यादा लिया क्यों? उस 72 पैसे के लिए 27 साल लड़ाई लड़ा और 700 कुछ रुपए लेकर तो यही लखनऊ कोर्ट हो गया। तो कुछ आदमी यही आप लोगों के अंदर होना होनी चाहिए, ये मेरी जमीन लिया है जो मेरे पूर्वजों ने बड़े अच्छे तरीके से हमारे लिए बनाई थी, आज हम अपनी जमीन से बेघर हो गए। अब ये होगा क्या? अभी ये घरों का भी होगा देखना, बताएगा तुम्हारा घर हवा तो बना, उसके भी बुल्डोजे चलेंगे भैया, उसके भी बुल्डोजे चलेंगे, बताएंगे तुम्हारे दुकान बनी है गलत बनी है बना, आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके अंदर संगठन नहीं, आपके अंदर एकता नहीं। वो भैया कहे वो फलाने दुकान है यार, मरे हमसे काम कर गिर जाए, अगर यही 100 लोग खड़े हो जाओगे उनको एक बार सोचना पड़े, नहीं तो वो सोचेंगे 2 मिनट में वो जो उसका कैमरा खींचेंगे और फट चले जाए। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप लोग जितने भी यहाँ पर किसान भाई आए हैं, आप लोग यहाँ से जाने के बाद या अभी भी अगर किसी से फोन पे संपर्क हो जाता है तो उसके फोन पे संपर्क करिए और उनको ये चीज समझाइए, किसी के कहने से नहीं, स्वयं एक बार यहाँ आके कह दो देखो अगर आपको लगता है कि आपकी लड़ाई जायज है आप उसको लड़िए। और भैया बिना कहे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती यार मित्रों, जब बच्चा रोता है तभी अम्मा कहेगी भैया मेरे दूध, ये तो शासन प्रशासन है, क्योंकि वो तो ऐसे में बैठे हैं उनको तो पता नहीं धान कैसे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष सूरज यादव, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सूरज यादव, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सूरज यादव।